हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और देख सकते हैं हमारे सामने प्रेजेंट है हीरो की HF डीलक्स BS6 फेस 2 E20 वाली वेरिएंट है। तो आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं इस बाइक के बारे में कि आपको इसमें क्या फीचर देखने के लिए मिलती है, इसकी जो माइलेज क्या आने वाली है, ऑन रोड प्राइस क्या होने वाली है, टोटल डिटेलिंग वीडियो होने वाली है। तो वीडियो बने रहे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहले मैं आपको इसकी की दिखा दूंगा, इसकी देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की आपको हीरो लिख करके आ रही है की के ऊपर, बाकी एक साइड में आपको H लिख करके आ रही है। तो कुछ इस तरीके की आपको दो की देखने के लिए मिल जा रही है। बाकी यहाँ पे अगर बाइक की बात कर ले तो देख सकते हैं कि फुल्ली ब्लैक में आपको देखने के लिए मिल जा रही है। यहाँ पे जो इसका एलॉय व्हील है वो भी आपको ब्लैक में देखने के लिए मिल रहा है। इंजन की बात कर ले तो वो भी आपको ब्लैक में देखने के लिए मिल जा रही है। और रियर में भी जो एलॉय व्हील दी गई है वो भी ब्लैक में आपको फुल्ली, मतलब टोटल जो बाइक है ब्लैक में देखने के लिए मिल जा रही है। ब्लैक लवर्स जो होने वाले उनके लिए ये बाइक काफ़ी अच्छी होने वाली है 100cc में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रंट से, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वाइजर के ऊपर में H की आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जा रही है। हेलोजन में आपको हेडलाइट सेटअप दिया गया है, इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रही है कुछ इस तरीके की गोल में, थोड़ी सी गोल टाइप की आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल रही है। बाकी यहाँ नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन दिया गया है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में देखने के लिए मिल जा रही है। बाकी यहाँ पे मडगार्ड आपको ब्लैक में देखने के लिए मिल जा रही है। रिफ्लेक्टर आपको दोनों साइड में देखने के लिए मिल जाते हैं। 130mm का आपको ड्रम होने वाला है गाइस इसमें, फ्रंट में भी और रियर में भी आपको वही देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर टायर की साइज़ की बात कर लूँ तो 80/100/18 की आपको टायर देखने के लिए मिल जाएगी। ये देख सकते हैं कि 80/100/18 की आपको फ्रंट में टायर देखने के लिए मिल जाएगी। और रियर टायर की अगर मैं बात कर लूँ तो रियर टायर में भी आपको दिखा देता हूँ कि वो भी आपको 80/100/18 की आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 80/100/18 की आपको रियर में भी टायर देखने के लिए मिल जा रही है और 130mm का आपको ड्रम रियर में भी देखने के लिए मिल जा रहा है। और यहाँ पे अगर इसकी सीट की बात कर लूँ तो देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा में आपको सीट देखने के लिए मिल जा रहा है। और यहाँ पे कुशनिंग देख सकते हैं कि काफ़ी कंफर्टेबल कुशनिंग आपको देखने के लिए मिल जा रही है। बाकी यहाँ पे फ्यूल टैंक के ऊपर E20 लिख करके आ रहा है, फ्यूल टैंक का जो कैप है आपको सिल्वर में देखने के लिए मिल जा रही है गाइस। और यहाँ पे आपको इसका जो फुटरेस्ट है फोल्डेबल में फुटरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ तक आपको, मतलब गाड़ी अगर गिरती है तो यहाँ तक फोल्ड हो जाती है, तो ये टूटने का चांस जो है वो कम हो जाता है। थोड़ी सी फोल्ड हो रही है तो टूटने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे फोल्डेबल दी गई है। बाकी यहाँ पे ब्रेक पे आप देख सकते हैं कि जो है ग्रिप दिया गया है कि पैर आपको गर्म होने पर, जो इंजन गर्म हो जाती है तो पैर आपका अंदर ना जाए, यहीं पर रुक जाएगा इस। बाकी जो बाइक की लुक है आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके की, फुल्ली ब्लैक में आपको बाइक की लुक देखने के लिए मिल जा रही है। बाकी अगर इसकी इंजन की बात कर लूँ तो 97.2cc का आपको इंजन देखने के लिए मिलता है, जिसमें सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक OSC एयर कूल फ्यूल इंजेक्टर आपको इंजन दिया गया है। इसकी जो मैक्स पावर दी गई है 8.2 PS की मैक्स पावर दी गई है, जो 8000 RPM पर पावर को जनरेट करती है। और इसकी जो मैक्स टॉर्क दी गई है 8.5 Nm का आपको टॉर्क देखने के लिए मिलता है, जो 6000 RPM पर पावर को जनरेट करती है गाइस। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पावर स्टार्ट लिख करके आ रहे, जो सेल्फ स्टार्ट आपको इसमें दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्फ का आपको बटन देखने के लिए मिल जा रहा है और किक भी आपको देखने के लिए मिल जाती है इसमें। और यहाँ पे आप बात कर लेते हैं इसकी अगर थोड़ी सी ग्राफिक्स की, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि आपको फुल टैंक पे आपको हीरो की आपको स्टिकर ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जा रही है। HF डीलक्स यहाँ पे 3D में लिख करके आ रहा है, बाकी रियर में आपको कोई भी ग्राफिक्स नहीं देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको मैनुफैक्चर मैं आपको दिखा दूँ कि 23/5/2023 की आपको मैनुफैक्चर देखने के लिए मिल जा रही है। बाकी यहाँ पर इसकी टेल लाइट मैं ऑन कर देता हूँ गाइस, ये देख सकते हैं कि जो स्टार्ट करना पड़ेगा इसे, तो इसकी जो टेल लाइट है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। आप देख सकते हैं कि स्टार्ट होने के बाद टेल लाइट की लुक कुछ इस तरीके की आ रही है। बाकी यहाँ पे मीटर कंसोल की बात कर लूँ तो कुछ इस तरीके का आपको मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जा रहा है। स्पीडो में आपको यहाँ पे देखने वाली है, एनालॉगिंग में आपको स्पीडोमीटर होने वाली है, जो स्पीडो यहाँ बताने वाली है। साइड स्टैंड का आपको लाइट यहाँ दिया गया है, न्यूट्रल के लिए इंजन मालफंक्शन हाई, मतलब यहाँ पे हाई के लिए लाइट देखने के लिए मिल जा रहा है। और यहाँ पे इंजन मालफंक्शन, यहाँ पे फ्यूल बताने वाला आपका। बाकी यहाँ पे इंडिकेटर देख सकते हैं कि इंडिकेटर के लिए लाइट दिया गया है। बाकी यहाँ पे इसकी जो हेडलाइट है मैं दिखा दूँ कि हेलोजन में आपको हेडलाइट सेटअप देखने के लिए मिल जा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको इसकी साइड स्टैंड की लाइट भी दिखा देता हूँ कि मीटर में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइड स्टैंड का लाइट जल के आ गया है। और यहाँ पर इसे उठा देते हैं तो ये बंद हो गए। बाकी इसकी जो एग्जॉस्ट है उसकी साउंड मैं सुना देता हूँ कि इसकी जो एग्जॉस्ट की साउंड वो कैसी आ रही है। देख सकते हैं कि एग्जॉस्ट की साउंड कुछ इस तरीके की आ रही है। बाकी एग्जॉस्ट देख सकते हैं कि इसका जो
एक मिनट इसे पहले बंद कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पे एग्जॉस्ट देख सकते हैं कि सिंगल मफलर के साथ में आ रही है। उसका जो मफलर का कलर है वो भी ब्लैक कर दिया गया है। पहले जो आती थी सिल्वर में आती थी, अभी जो है ब्लैक कर दी गई है, गाड़ी फुल्ली ब्लैक कर दी गई है। बाकी यहाँ पे अब अगर बात कर ले इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी, 9.6 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाता है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है 165 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में दिया गया है। और इसकी टोटल वेट 112 kg की टोटल वेट इस बाइक की होने वाली है गाइस। और बाकी यहाँ पे अब इसकी अगर लास्ट में प्राइस की बात कर लूँ तो इसकी एक्स शोरूम आ रही है 68,498 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। और इसकी ऑन रोड प्राइस है 84,930 रुपीज़ इसकी ऑन रोड प्राइस है। पटना बिहार में पाटलिपुत्र हीरो के नाम से ये शोरूम है, तो आप लोग यहाँ पे आकर के इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो ये दिखाया आज की वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।